قال رحمه الله باب قول المحدث قال حدثنا وأخبرنا نو وأنبأنا نو باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. أحسن الله إليكم. باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق. وقال شقيق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة كذا. وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه. وقال أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربكم تبارك وتعالى. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجرة شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل أو مثل المسلم حدثوني ما هي. قال فوقع الناس في شجرة البوادي. قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله. قال هي النخلة. मुसन्नी रहमतुल्लाह ताला अलैह अब यहाँ पर एक दूसरा बाब बयान कर रहे हैं और दूसरे बाब में एक इल्मी मसला तुम्हारे सामने ज़िक्र कर रहे हैं। सबसे पहले हद्दसनल हुमैदी का जब लफ्ज़ आया होगा उस वक्त उस्तादों ने आप हजरात को बताया होगा कि हद्दसना हदीस की रिवायत करने के सिलसिले में जो अल्फाज हमारे यहाँ इस्तेमाल होते हैं इनमें से एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हद्दसना या हद्दसनी और दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अखबरना या अखबरनी और तीसरा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अम्बाना व अम्बानी यानि मुझे कहा मुझे खबर दी या मुझे बतलाया गया। ये इस तरीके से जब कोई भी आदमी रिवायत करता है तो उस सूरत में हद्दसना अखबरना वगैरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि ये हम जो कहते हैं कि हद्दसना फ़लानुन हद्दसना फ़लानुन अखबरना फ़लानुन या अखबरनी फ़लानुन तो ये हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से साबित है और हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से इसी तरीके से चलता है। लेकिन ज़रा सा फ़र्क है इमाम हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और इसी तरीके से पहली सदी गुजर गई उसमें भी और जब दूसरी सदी आई जिसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह थे वहाँ तक ये अल्फाज एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल होते थे। हद्दसना भी कह सकते थे अखबरना भी कह सकते थे हद्दसनी भी कह सकते थे अखबरने भी कह सकते थे और इसमें किसी किस्म का कोई फ़र्क वगैरह नहीं था। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस तर्जुमतुल बाब में ये बताना चाहते हैं कि हद्दसना या अखबरना हद्दसना कह दिया जाए या अखबरना कह दिया जाए तो ये कहना दुरुस्त है इसमें किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं है। असल में जब हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का दौर ख़त्म हुआ और इमाम नसाई रहमतुल्लाह ताला अलैह का जब ज़माना आया तो फिर उस सूरत में फ़र्क होने लगा और फ़र्क ये होने लगा कि बाद मरतबा ऐसा होता है कि जैसा इस वक्त हो रहा है कि उस्ताद खुद पढ़ता है और शागिर्द उसको सुनता है तो उस सूरत में शागिर्द रिवायत करेगा तो ये कहेगा हद्दसना फ़लानुन यानि हमारे फ़लाने उस्ताद ने हमको ये हदीस सुनाई हमें ये हदीस बयान की। और अगर शागिर्द पढ़े और उस्ताद सुने तो फिर उस सूरत में उसको शागिर्द कहेगा कि अखबरना यानि हमको हमारे उस्ताद ने ये खबर दी कि ये हदीस सही है मैंने उनके सामने पढ़ी थी और उन्होंने इसको सुना था। एक हो तो अखबरनी कहते हैं ज़्यादा हो तो अखबरना कहते हैं एक हो तो हद्दसनी कहते हैं ज़्यादा हो तो हद्दसना से ताबीर करते हैं। तो ये फ़र्क जो होने लगा ये इमाम नसाई रहमतुल्लाह ताला अलैह के ज़माने के बाद होने लगा और उस तरीके से ये फ़र्क होने लगा। चूँकि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के ज़माने में ये फ़र्क नहीं था
इस वजह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस तर्जमतुल बाब में फरमाते हैं, कौलुल मुहद्दिस से मुहद्दिस हदीस बयान करने वाले का कहना, हद्दसना व अखबरना व अम्बाना, ये तीनों के तीनों एक ही माने में इस्तेमाल होते हैं, इसमें कोई फ़र्क करने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने जैसा कि अभी बताया कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के ज़माने में तो ये दस्तूर था, इस वजह से कोई फ़र्क नहीं था, लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बाद इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में इसमें तफसील हो गई कि अगर उस्ताद पढ़ता है और शागिर्द सुनता है तो उस सूरत में वो शागिर्द कहता है कि हद्दसना, हमारे शेख ने हमको ये हदीस सुनाई, और अगर शागिर्द पढ़ता है और उस्ताद सुनता है तो उस सूरत में उसको कहा जाता है अखबरना, क्या हमको हमारे उस्ताद ने ये खबर दी। अब ये दो चीज़ें यहाँ पर हुई, एक तो ये कि उस्ताद पढ़े, जैसा कि हम उस्ताद के सामने किताब रखी हुई है और उसमें से वो पढ़ रहा है, तो और दूसरा ये है कि शागिर्द पढ़ रहा है और उस्ताद उसको सुन रहा है। तो अब उस सूरत में दोनों में से अफजल कौन है, ये एक दूसरी बहस है। यहाँ पर इमाम बुखारी ने उसको जिक्र नहीं किया, लेकिन अगर मालूम करना है तो इस तरीके से है कि बाद हजरात कहते हैं कि उस्ताद जब पढ़ेगा और शागिर्द जो सुनेगा तो वो ज़्यादा कवी है, इस वजह से कि उस्ताद जो पढ़ेगा वो सही पढ़ेगा, तो गोया कि उसने सही सुना, इस वजह से इसका दर्जा बढ़ा हुआ है। दूसरा कौल यह कि नहीं, शागिर्द जो पढ़ेगा उसका दर्जा बढ़ा हुआ है, इस वजह से कि उस्ताद सही सुनेगा, अगर शागिर्द जरा से भी गलती करेगा तो उस्ताद रोक देगा, टोक देगा, मना कर देगा, इस वजह से शागिर्द का पढ़ा हुआ ज़्यादा मोतबर करार दिया गया है। जैसा कि अभी इस वक्त तुम्हारे सामने कौलुल मुहद्दिस से काल हद्दसना व अखबरना जैसे हमारे दोस्त ने पढ़ा और फौरन रोक दिया गया कि ना इस तरीके से नहीं है, बल्कि यहाँ पर है कौलुल मुहद्दिस से हद्दसना व अखबरना व अम्बाना। बहरहाल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और इसी तरीके से पहली सदी गुजरी उसमें और दूसरी सदी के गुजरने तक इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के ज़माने में इसमें किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं था। हद्दसना उस्ताद बताए उसको भी कह सकते थे, शागिर्द बताए उसको भी कह सकते थे। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उसके जवाज को तुम्हारे सामने ज़िक्र करना चाहते हैं। ये तो हुआ तर्जमतुल बाब, यानी तर्जुमतुल बाब का क्या मतलब है, वो मतलब मैंने आप हजरात के सामने बयान किया, समझ में आ गया जी। कौलुल मुहद्दिस है, मुहद्दिस का कहना, हद्दसना और अखबरना व अम्बाना, वकाल लनल हुमैदी, हुमैदी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उस्ताद हैं। सबसे पहले हदीस जो उन्होंने जिक्र की थी उसमें बताया था हद्दसनल हुमैदी, ये हुमैदी अबू बकर इब्न अब्दुल्ला इनका नाम है, ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं। इमाम बुखारी फरमाते हैं कि वकाल लनल हुमैदी कान इंद इब्ने उयैनता, ये हजरत सुफियान इब्ने उयैना के पास बैठे हुए थे, यानी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हुमैदी सुफियान इब्ने उयैना। दो सुफियान गुजरे हैं, बड़े मशहूर हैं, एक को तो सुफियान सौरी कहा जाता है और दूसरे को सुफियान उयैना कहा जाता है। यहाँ पर जो मुराद है वो सुफियान उयैना है। कान इंद इब्ने उयैना था, हद्दसना व अखबरना व अम्बाना, और इसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमारे उस्ताद हुमैदी ने हमें कहा कि मैं सुफियान इब्ने उयैना जो बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं उनकी मजलिस में मैं बैठा हुआ था, उसमें हद्दसना अखबरना और अम्बाना तीनों अल्फाज के साथ हदीस को बयान किया जा रहा था, यानी ये तीनों अल्फाज बराबर है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, और इस तरीके से हद्दसना या अखबरना कहना जायज़ और दुरुस्त है। वसमेत वाहिदन वकाल इब्न मसूद हद्दसना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी तरीके से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये हमारे लोगों की कोई हद्दसना या अम्बाना वगैरह का अल्फाज ये हमारी पैदावार नहीं है, हम लोगों ने बनाया है, ऐसा नहीं है, बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस बयान करते थे तो उस वो फरमाते थे हद्दसना। काल इब्न मसूद, ही हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही ऊंचे दर्जे के ये सहाबी है,
और फ़िक़्हे हनफ़ी जो हमारा है उस फ़िक़्हे हनफ़ी के बानी अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुए। बहरहाल हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हद्दसना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह हदीस बयान की, वहुवा सादिकुल मसदूक, और हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल सच्चे थे। हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जो सिफतें थी, उन हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जो सिफतें थी, कोई भी सिफत ऐसी नहीं कि जिसमें कमी हो, बल्कि सारी की सारी सिफतें हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही आला दर्जे की थी। कुरान पाक में भी फरमाया कि इन्नकल आला खुलुकिन अज़ीम, आपकी सारी अखलाक सारी आदतें बहुत ही अजमत वाली है, बहुत ही ऊंची चीज़ है। बहरहाल इसमें एक है सिद्क, सच्चाई, सच्ची बातों को बताना। हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोला करते थे, इसी वजह से हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी नहीं हुए थे 40 साल की उम्र से पहले तक, वहाँ तक अरब में हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लकब ही सादिकुल अमीन से पड़ गया था। बहरहाल झूठ बोलना ये बहुत ही बुरी आदत है, आज हमारे अंदर ये बहुत ही ज़्यादा असर कर गया है। हमारे नबी तो सच्चाई में आला दर्जे के, ज़िंदगी में कभी हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ बोला ही नहीं। और हम अगर देखें तो हमें देखना पड़ेगा कि हमने ज़िंदगी में कभी सच बोला है भी कि नहीं। बहरहाल ये आदत छोड़ने की है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी आदत थी वो क्या है, सच्चाई की थी, इसी वजह से उन्होंने कहा वह सादिकुल मसदूक। काला शकीक अन अब्दुल्लाह समय तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतन कज़ा। इसी तरीके से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी हद्दसना का लफ्ज़ न कहे, कोई आदमी अखबाराना का लफ्ज़ न कहे, कोई आदमी अम्बाना का लफ्ज़ न कहे, और ये कहे कि मैंने फलाने उस्ताद से ये सुना है, तो ये भी इसी माने में आ जाएगा और ये भी इसी तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। वकाला शकीक अन अब्दुल्लाह समेत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतुल कज़ा। वकाला हुज़ैफ़त इब्न अल-यमान हद्दसना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीसैन। इसी तरीके से हुज़ैफ़ा इब्न यमान रदियल्लाहु ताला अन्हु, ये भी हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही ऊंचे दर्जे के सहाबी हैं, वो फरमाते हैं कि हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दो हदीसें, दो बातें बयान की, हद्दसना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये दलील बताएं कि देखो फलाने सहाबी ने हद्दसना का लफ्ज़ कहा, फलाने ने समेतो का लफ्ज़ कहा, वो सब का सब एक माने में इस्तेमाल हो रहा है। वकाला हुज़ैफ़ा इब्न अल-यमान हद्दसना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीसैन, हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो हदीसें हमें बयान की। वकाला अबुल आलिया अन इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, हज़रत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु इनके ये बेटे हैं हज़रत अब्दुल्लाह। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बहुत ही छोटी उम्र के थे, नाबालिग ही की हालत में थे। वो ख़ुद ये फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ तो मेरी उम्र बुलूगत के करीब थी, यानी 12-15 साल के दरमियान उम्र होती है जो बुलूगत की हुआ करती है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ उस वक़्त छोटे थे। बहुत सी जगह पर ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या आएगा, तज़किरा आएगा। उसमें ये भी आएगा कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु छोटे बच्चे से थे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ज़हीन और बहुत ही ज़्यादा अच्छे अख़लाक के हामिल थे। हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वज़ू करना, इस्तिंजा करने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू करने के लिए पानी वगैरह का इंतज़ाम भी किया करते थे। एक मरतबा उन्होंने इंतज़ाम किया, हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा खुश हुए। हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी के मारे उनको अपने सीने से लगाया, और सीने से लगाने के बाद हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब। इस वजह से, इस दुआ की बरकत से, हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से
थे तो वो बचपन में, लेकिन फिर अल्लाह तबारक व ताला ने और उन्होंने भी खुद हदीसें खूब इल्म हासिल किया सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से, बहुत ज़्यादा उन्होंने हदीसें हासिल की और हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो कुरान पाक की तफसीर में मुफस्सिर उम्मत सबसे पहले मुफस्सिर हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल ताइफ में हुआ और ताइफ में आज भी इनकी कब्र मौजूद है। बहरहाल हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फीमा युरवी अन रब्बिही, हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कभी वही आती थी और वो वही हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर आते थे। कभी हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से ही बात को डाली जाती थी और उस बात को हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे, तो कहते थे कि मेरे परवरदिगार ने मुझे ये बताया फ़ीमा यूरवी अन रब्बिही। तो इसी तरीके से हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से नकल है, वो फरमाते हैं वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़ीमा यूरवी अन रब्बिही वकाल अनस अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरीके से हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हुए हद्दसना का लफ्ज़ नहीं कहते हैं, सिर्फ अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह देते हैं। मुहद्दिसीन की इस्तेला में इसको अन अना से ताबीर किया जाता है। अन अना का क्या हुक्म है वो आपने उसूल हदीस की किताबों में पढ़ा होगा, लेकिन ये सब के सब ये तारीफ़ हैं जैसा कि मैंने अभी ज़िक्र किया, ये इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह के बाद जब ये इल्म हदीस फैला और उसके लिए उसूल और कानून वगैरह वज़ा किए गए उस वक्त क्या हैं ये चीज़ें आई है। हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, सहाबा के ज़माने में या इसी तरीके से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने तक इन अल्फाज का कोई फ़र्क नहीं था, इस वजह से अन अना के ज़रिए से रिवायत बयान कर दी जाए तो ये भी जायज़ और दुरुस्त है। वकाल अनसुन अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युरवी है अन रब्बिही, हज़रत अनस फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसमें हद्दसना अखबरना अम्बाना का कोई लफ्ज़ नहीं कहा, अनिन कहा हुजूर से मैंने सुन लिया, हुजूर से रिवायत करता हूँ, और उसमें फिर वो कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने परवरदिगार से रिवायत कर रहे हैं अन रब्बिही। वकाल अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युरवी है अन रब्बकुम तआला। इसी तरीके से हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु ये भी हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत बड़े ऊंचे दर्जे के सहाबा हैं। हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अपने कबीले से जब इस्लाम लाने के लिए आए थे मदीना मुनव्वरा में, तो तकरीबन सन हिजरी 6 का कुछ इब्तदाई या इंतहाई ज़माना था। हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सिर्फ 4 साल हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु रहे, लेकिन 4 साल उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कैसे गुजारे वो खुद हदीस में वो फरमाते हैं कि मेरा तो एक ही पेट था, मुझे न बीवी थी न बच्चा था न मकान था, नहीं ज़रूरत थी, मुझे कुछ नहीं था, मुझे सिर्फ एक पेट की फिक्र थी, वो भी कभी मिल गया तो नहीं मिला, और कई कई दिनों तक भूखे रहते थे और भूख के ज़ौफ़ और कमज़ोरी की वजह से बेहोश होकर गिर जाया करते थे। खैर बहरहाल 4 साल उन्होंने मुकम्मल तौर पर हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में और हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुजारे। इससे जो लोग इल्म हासिल करना चाहते हैं, जो लोग मारिफत हासिल करना चाहते हैं, जो लोग अपने अंदर अल्लाह तबारक व ताला की क्या मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, उनको किस तरीके से रहना चाहिए, किस तरीके से जम जाना चाहिए, किस तरीके से लगे रहना चाहिए, वो इससे मालूम होता है कि जब तक खुद मुकम्मल तौर पर पूरे तरीके पर किसी काम के पीछे न पड़ जाओ वहाँ तक वो हासिल नहीं होता। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु सिर्फ 4 साल हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे, इस वजह से कि सन 11 हिजरी में तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया और उससे 4 साल पहले वो आए हुए थे, तो गोया कि 4 ही साल हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे, लेकिन हदीस को हासिल करने के लिए उन्होंने जो मेहनत की
जो कोशिश की और जो तरीका उन्होंने अपनाया, उस तरीके की आज बरकत है कि कोई भी किताब उठाकर देखो, उसके किसी भी सफ़े में देखोगे तुम तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम होगा और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत होगी। और बहुत से कसरत से रिवायत करने वाले सहाबाओं में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आता है। बहरहाल ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। इनका असल नाम क्या है? असल में एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ़ लाए तो इनके पास बिल्ली का एक छोटा सा बच्चा इनके गोद में मौजूद था। हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी के साथ क्या है फरमाया, अंता अबू हुरैरा। बस हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये लकब देना उनको अबू हुरैरा, अंता अबू हुरैरा, ये इनको इतना पसंद आ गया कि जिसकी वजह से बस वो फिर अबू हुरैरा ही के नाम से मशहूर हो गए। और इनका असल नाम क्या था, जमाने जाहिलियत का नाम क्या था, फिर इस्लाम लाने के बाद नाम क्या हुआ, या दोनों नाम एक थे? तकरीबन 35 अकवाल नकल किए जाते हैं कि उनका ये नाम था असल नाम के सिलसिले में। यानी ये अबू हुरैरा, इनकी जो लकब थी, कुन्नियत थी, उसी कुन्नियत के ज़रिए से ये मशहूर हो गए। हद्दसना काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूरवी ही अन रब ही वकाल अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो यहाँ पर भी हज़रत अबू हुरैरा ने हद्दसना अखबरना वगैरह का कोई लफ्ज़ नहीं कहा और सिर्फ अनाना के साथ जिक्र कर दिया कि अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं ये नकल कर रहा हूँ और हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नकल कर रहे हैं अन रब्बी ही, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, अन रब्बिकुम तबारक व तआला। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यह तर्जमतुल बाब तुम्हारे सामने जिक्र किया, जिसकी तफसील मैंने अभी तुम्हारे सामने जिक्र की। अब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह इसको दलील के ज़रिए से, हदीस के ज़रिए से साबित करते हैं और ये कहना चाहते हैं कि अखबरना, हद्दसना, अम्बाना या अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस किस्म के जो अल्फाज हैं वो एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल हो सकते हैं, उसमें कोई फ़र्क और कोई इम्तियाज़ नहीं है, ये सिर्फ मसला है। अब इसको साबित करने के लिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने क्या हदीस जिक्र की, वो हदीस अब तुम्हारे सामने आ रही है, पढ़ लेते हैं उस हदीस को। हद्दसना कुतैबतु इब्नु सईदिन काल हद्दसना इस्माइल इब्नु जाफर अन अब्दुल्लाह इब्ने दीनार अन इब्ने उमर। ये हज़रत उमर फारूक रदिल्ला तआला अन्हु के साहबजादे हैं। हज़रत उमर फारूक रदिल्ला तआला अन्हु के साहबजादे बहुत थे, इनमें से ये जो साहबजादे हैं अब्दुल्लाह इब्ने उमर। आमतन जब इब्ने उमर कहा जाता है तो उस वक्त हज़रत अब्दुल्लाह मुराद होते हैं। बहरहाल हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदिल्ला तआला अन्हु ये इस हदीस की रिवायत करने वाले हैं। हज़रत उमर फारूक रदिल्लाहु तआला अन्हु भी मुसलमान हो गए। हज़रत उमर फारूक रदिल्लाहु तआला अन्हु के साहबजादे ये अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदिल्लाहु तआला अन्हु भी मुसलमान हो गए और ये भी हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में छोटे बच्चों में थे, छोटे सहाबा में इनका शुमार होता है, लेकिन अब तो उनका दर्जा बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। बहरहाल हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदिल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, वाक़या पहले ज़हन में बिठा लो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि एक मरतबा मजलिस लगी हुई थी, हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन सारे बैठे हुए थे और हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खजूर का गुफा था। अब तुम सोचो कि गुफा क्या चीज़ होती है? खजूर का जो तना होता है, दरख्त होता है, उस दरख्त की जो जड़ होती है, उस दरख्त के जड़ में जो नरम कोपरे कहते हैं, कोपरा कोपरा जानते हो क्या? नहीं। कोपरे के जैसा है, क्या है, एक मादा होता है, उसको खाया जाता है। तो हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खजूर की जड़ का वो गुफा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में वो बैठा और रखा हुआ था और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन सारे के सारे बैठे हुए थे। इतने में अचानक
हुजूर अकदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात फरमाई और बताओ कि ए भाई देखो सुनो गौर से, मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, उस सवाल का जवाब दो। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की तरफ जो बैठे हुए थे, जिसमें हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जैसे बड़े बड़े सहाबा भी मौजूद थे और दूसरे सहाबा भी बैठे हुए थे, तशरीफ़ फरमा थे। तो उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बताओ, एक दरख्त है, एक दरख्त है, उस दरख्त की मिसाल मुसलमान की सी है, उस दरख्त की मिसाल मुसलमान की सी है। क्या मतलब मुसलमान की सी है? यानी एक दरख्त है जो बहुत ही ज़्यादा मुफीद, बहुत ही ज़्यादा बरकत वाला, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे वाला है। वो दरख्त, उसकी मिसाल मुसलमानों की तरह है। जैसे मुसलमान ऐसा होता है कि बहुत ही ज़्यादा मुफीद, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद, बहुत ही ज़्यादा आफियत वाला, किसी को तकलीफ न देने वाला, किसी के दूसरे के दुख दर्दों को सहने वाला, लोगों की मदद करने वाला, जैसे अच्छे अच्छे अखलाक वगैरह होते हैं, इसी तरीके से वो दरख्त, उसकी मिसाल गोया के मुसलमानों की है। माहिया बताओ वो कौन सा है? साहबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन जो वहाँ पर बैठे हुए थे, उन्होंने जंगल के जो जंगल में जो दरख्त होते हैं, उन दरख्तों में से हुजूर अकदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बताना शुरू किया। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, लेकिन हुजूर अकदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबकी नफ़ी फरमाई, मना किया, ना ये नहीं, ना ये नहीं, ना ये नहीं। जैसे मसलन मिसाल के तौर पर अगर हमें कोई अगर पूछे तो कोई कहेगा लिमड़ा, कोई कहेगा वर्ड, कोई कहेगा आम, कोई कहेगा नारियली, कोई कहे कोई कुछ 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 कहेगा। तो इस तरीके से सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन अलग अलग जंगल के दरख्तों के नाम बताते रहे। हुजूर अकदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको इनकार करते रहे, ना ये नहीं, ना ये नहीं, ना ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उस मजलिस में बैठे हुए थे, उन्होंने भी सुना। वो फरमाते हैं कि मेरे दिल में ये ख्याल आया कि ये दरख खजूर का ही हो सकता है। खजूर के दरख के मुतालिक सुन लो कि खजूर का दरख्त, उसका हर हर जूस काम आता है। दूसरा दरख्त, अभी तुम देखो तुम्हारे यहाँ जितने सारे दरख्त हैं, जितने सारे पेड़ हैं, जितनी ट्री हैं, उनके पत्ते सब जड़ गए, ख़त्म हो गए, लेकिन खजूर का जो दरख्त होता है उसके पत्ते झड़ते नहीं। दूसरी बात, खजूर का पूरा दरख्त काम देता है, उसके खजूर जो हैं वो खाने के काम में आते हैं, उसकी गुठलियाँ जो है वो जानवरों के खुराक में, ऊंट के, बकरियों के खुराक के काम में आती है, उसके पत्ते जो हैं वो घर पर छत के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनके पत्ते के ज़रिए से रस्सी बनाई जाती है, इनकी जड़ें भी काम में आती है, और उसका जड़ का जो गुदा होता है वो गुदा भी खाने के काम में आता है, जैसे मैंने अभी तुम्हारे सामने जिक्र किया। तो गोया के मुसलमान जिस तरीके से मुकम्मल मुफीद होता है, इसी तरीके से ये दरख्त भी मुकम्मल मुफीद होता है। हर हर इस दरख्त की चीज़ काम में आती है, किसी न किसी काम में आती है, बेकार और ज़ाय नहीं जाती। दूसरा, इंसान का अगर सर गर्दन काट दी जाए, सर को बदन से जुदा कर दिया जाए, तो इंसान मर जाता है। इसी तरीके से ये दरख्त जो है उसको अगर उसके ऊपर से काट दिया जाए तो फिर ये दरख्त मर जाएगा, उसकी शाखें वगैरह नहीं निकलेगी, तो ये भी एक किस्म की मुनासिबत हो गई। तीसरा, इंसान को अगर पानी में डुबो दिया जाए या डूब जाए तो भी इंसान मर जाता है। इसी तरीके से ये दरख्त भी इतना पानी आ जाए कि उसको पूरे दरख्त को पानी में डुबा दिया जाए तो फिर ये दरख्त भी मर जाता है। बहरहाल हुजूर अकदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दरख्त है
उसकी मिसाल मुसलमानों के जैसी है, बताओ वो कौन सा दरख्त है। जैसा कि अभी आपने सुना कि हर एक ने अपने अपने तौर पर दरख्त का जो नाम था वो दिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं फरमाया। हजरत अब्दुल्लाह ने उमर रदील्ला तआला फरमाते हैं कि मैं भी उस मजलिस में था, और उस वक्त हजरत अब्दुल्लाह ने उमर रदील्ला तआला की उम्र छोटी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदील्लाहु तआला अन्हु गज़वे अहद के मौके पर, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब ये लोग पेश किए गए तो उस वक्त क्या है वो 12-13 साल के करीब थे, यानि बालिग भी नहीं थे, बच्चे थे। तो कहते मैं तो छोटा सा बच्चा था, बड़े बड़े हजरात बैठे हुए हों और वहाँ पर छोटा बच्चा हो तो उस छोटे बच्चे को बोलने में शर्म महसूस होगी। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदील्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं छोटा बच्चा था लेकिन मेरे जहन में जवाब आ गया कि वो खजूर हो सकता है, मैं खजूर बताऊं। लेकिन हज़रत अबू बकर जैसे बड़े साहबी मौजूद, हज़रत उमर फारूक रदील्लाहु तआला मेरे अब्बा जान, उनकी बोलती बन, और इसी तरीके से दूसरे साहबाई किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम, वो सारे के सारे क्या हैं, चुप हैं, कोई बोल नहीं रहा है, तो मैं कैसे हिम्मत कर सकता था बोलने की। इस वजह से मैं चुप, मुझे मालूम था, मैं समझा, लेकिन मैं बोल नहीं रहा था, मैंने नहीं बताया। समझ में आ गया इतना। रिवायत में आता है कि जब हम लोग बता चुके और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं किया तो हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आप ही बताइए, तो हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वो खजूर का दरख्त है। ये है पूरी हदीस जो अभी मैंने तुम्हारे सामने जिक्र की। वाक़े के जिक्र करने के बाद यहाँ नहीं है लेकिन दूसरी जगह पर है, हजरत एक मरतबा हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदील्लाहु तआला अन्हु ने अपने बेटे से कहा, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने अपने अब्बा जान से कहा कि अब्बा जान, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सवाल पूछा था, मुझे उसका जवाब मालूम था लेकिन शर्म के मारे में जवाब नहीं दे सका। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तो आप हजरत बड़े बड़े हजरत बैठे हुए थे, आपके सामने बोलना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए मैंने नहीं बताया। हजरत उमर फारूक रदील्लाहु तआला फरमाते हैं कि बेटे, अगर तुम उस वक्त शर्म छोड़कर बता देते तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इज्जत और बहुत ही ज़्यादा इफ्तिखार की बात होती कि देखो बड़े बड़े साहबा ने जो जवाब नहीं दिया वो उमर के बेटे ने, हालांकि वो बच्चा है, वो दिया, लेकिन क्या है शर्म की वजह से हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदील्लाहु तआला अन्हु ने नहीं बताया। ये वाक़या तफसील के साथ मैंने आप हजरत के सामने जिक्र किया है इस वजह से कि इसी एक हदीस से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह इतने मसाइल साबित करेंगे कि उस वक्त मैं सिर्फ आपको कहूँगा कि वो हदीस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मजलिस थी उस मजलिस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सवाल किया था वो इस हदीस से साबित होता है। इस तरीके से आप हजरत के सामने आता रहेगा और इस सूरत में आप उसको क्या है याद रखना, मैं हर वक्त पूरी तफसील इस तरीके से नहीं बताऊँगा। बहरहाल हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदील्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न मिन अश्शजरे, दरख्तों में से एक दरख्त है, ला यस्कुतु वरकुहा, के उसके वरक पत्तियां झड़ती नहीं, गिरती नहीं, वइन्नहा मसलुल मुस्लिमे, और उसकी मिसाल मुसलमानों की तरह है, फहद्दिसूनी, बताओ वो क्या है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यहाँ पर यह हदीस जो जिक्र किए वो इस लफ्ज़ की वजह से कि हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिं अजमईन से खुद इरशाद फरमाया, हद्दिसूनी, इस वजह से अगर सामने वाला बताया तो उसको भी हदीस कहा जाता है, फहद्दिसूनी माहिया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं,
फवाका नासो फी शजरिल बवादी, बवादी बादिया को कहा जाता है, बादिया जंगल को कहा जाता है, यानी जंगल में जो दरख्त उगते हैं, हर एक ने अपनी अपनी समझ के एतबार से, हर एक ने अपनी अपनी मालूमात के एतबार से उस दरख्त का नाम लिया, लेकिन हुजूर अकदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पसंद नहीं फरमाया। काल अब्दुल्ला, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, औकौफ़ी नफ़सी अन्नन नखला, मेरे दिल में आ गया था, औकौफ़ी नफ़सी, मेरे दिल में बात आ गई थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दरख्त के मुतल्लिक पूछ रहे हैं वो दरख्त खजूर का दरख्त हो सकता है कि वो नखला है, मेरे दिल में बात आ गई थी। फस्तहयैतु, लेकिन जब आ गई थी तो आपने बताया क्यों नहीं, उसका जवाब दे रहे हैं कि मैं शर्मा गया। तो ये भी आदाब में से है कि बड़े बैठे हुए हो तो छोटों को नहीं बोलना चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, बड़े बड़े हज़रात जैसे मैंने कहा, हज़रत अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वगैरह जैसे बड़े बड़े साहबा मौजूद थे, इस वजह से वो शर्माए और उन्होंने नहीं बताया, जैसे कि तफ़सीर मैंने तुम्हारे सामने जिक्र की। तो वो फरमाते हैं कि अन्न नखलतो फस्तहयैतु, अदब मालूम हुआ। और आजकल हमारे यहाँ अदब ये है कि बड़ा बैठा हो, छोटा बैठा हो, कोई भी हो, हर एक आदमी अपनी बात को ज़ोर से मनवाने की तैयारी में लगा रहता है, ये अखलाक से हटी हुई बात है। बहरा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं चूँकि उम्र के एतबार से छोटा था, इस वजह से फस्तहयैतु। थुम्मा क़ालू हद्दिसना मा हिया, फिर इसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं के सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन ने खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही गुजारिश की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, फहद्दिसना मा हिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें तो मालूम नहीं है, आप ही बता दीजिए कौन सा वो दरख्त है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने वही अल्फाज जो तर्जुमतुल बाब में तुम्हारे सामने जिक्र किए गए थे, हद्दिसना, हद्दसना, अखबरना वगैरह में, एक तो सहाबा से भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हद्दिसना, सहाबा ने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया हद्दिसना, समझ में आ गया। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हमें आप बता दीजिए। काला ही नखला, हुजूर अकदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो खजूर का दरख्त है। तो इससे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने साबित किया कि हद्दसना, अखबरना, वअंबरना वगैरह का जो लफ्ज़ है वो इस तरीके से आपस में इस्तेमाल करना जायज़ और दुरुस्त है। समझ में आ गया होगा। चलो आगे।